मामला था उस दिन जो पुलिस आई थी। लेकर आपने रिक्स पे और फिर दूसरे दिन उसको आए पुलिस वाले 10 बजे करीब 12 बजे आए और उसको घर में हम अपने आंगन निकले तो हमारे मम्मी ने और आए उनको लेकर हम लोग देखते कि हमारे घर में कोई गार्जियन नहीं है, हमारे घर में गार्जियन नहीं है तो आप अगर वो आएंगे तो आप उनसे बात कर लीजिए। वो पूरे नशे में घुस गए और आए घर में डायरेक्ट घुस गए। हम बोले कि देखिए आप लोग हमें हाथ हवाई करने लगे, मारपीट भी दिया और फिर हम शोर शराबा करने लगे। तो हमारा भाई शौचालय करने गया था, वो आया वहाँ से दौड़ते आया। फिर उसके बाद फोन करते करके सबको, हमें बड़े भाई को, छोटे भाई के भाई हमारा ट्यूशन पढ़ा कर आया था तुरंत, वो भी शौचालय गया था। एक भाई हमारे मॉल पे गया था जो जबलपुर से आया था। फिर उसके बाद वो लोग हाथ हवाई करने लगे, फिर हमारे भाई देखे और उन लोगों को बदतमीजी लोगों का बर्दाश्त नहीं हुआ। फिर उसके बाद जो हुआ तो आप लोग के सामने वीडियो में है। और हम जो कुछ भी किए हमारे भाइयों ने हमारी इज्जत बचाने के लिए किए, और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं बता सकते। और हमें नहीं अच्छा ये सिर्फ और हम कुछ नहीं जानते हैं। हमारे ना मारे हैं, इतना मारे हैं ये लोग, लोग मरने की कगार पे। अगर हम भाइयों के साथ कुछ हो जाता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? मारपीट करते हुए देख रहे हैं, लोगों का कहना है कि ये घर में पुलिसकर्मी गए थे और उसने मिसबिहेव भी किया। क्या मामला, कार्रवाई किया उसमें? ये वायरल वीडियो अभी पता चला है कि 7 तारीख का इसी महीने का है। तो अभी जैसे मुझे पता चला है, मैंने सीओ पिपरी को रिपोर्ट देने के लिए कहा है, शाम तक इसको जांच कर पूरी विस्तृत रिपोर्ट देंगे और उस आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सर उसमें क्या कोई अभियोग पंजीकृत है या आगे किया जाएगा? अभी तक तो कोई अभियोग पंजीकृत के संज्ञान में नहीं आया है, फिर भी शाम तक पूरी डिटेल इंक्वायरी करेंगे किस बात के लिए वो कुछ छीना झपटी की तरह लग रहा है। पर एक घर में पुलिस वाले दो दिखाई दे रहे हैं, वो क्यों गए थे वहाँ, किस सूचना पर गए थे और वहाँ क्या हुआ, किस वजह से उनमें विवाद हुआ, ये पूरी रिपोर्ट जब सीओ पिपरी देंगे उस आधार पर।